साथियों नमस्कार, मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। एंड साथियों, आज के अपने सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हीरा के बारे में। हाँ जी साथियों, ये टर्म सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हीरा। लगता है हम ओरिजिनल हीरा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन साथियों हम डिस्कस करेंगे आज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में। हाँ जी साथियों, हम कंपनियों में कई बार सुनते हैं कि एस्पेक्ट इम्पेक्ट एंड हीरा करना है, हीरा हीरा हीरा। तो आज हम उसी हीरा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज हम अपने इस सेशन में जानेंगे कि आखिर ये हीरा होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट कौन से स्टैंडर्ड में कहाँ पे एड्रेस की गई है, हमें क्यों करना पड़ता है, हीरा की डिफिनीशन क्या है, हीरा कैसे कैसे हमें करना है एंड इसके हजार्ड्स, हीरा बेसिकली होता क्या है, हजार्ड्स क्या होता है, रिस्क क्या होते हैं, उनमें कैसे एक्शंस लेने हैं और कैसे उसके जो है सिवियरिटी, अक्रेंस, ओवरराइडिंग क्राइटेरिया, एसओडी, ये कैसे आपको फाइंड आउट करना है, पूरा फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि हीरा इसमें ये कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करता है, उस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, आपको कंट्रोल किस तरीके से रखना है। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, ताकि हमारे हर एक वैल्यूएबल वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको इमीडिएट मिले, ताकि हमारे आप किसी भी कंटेंट से वंचित ना रह जाएं। तो साथियों चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं हीरा के बारे में। तो साथियों सबसे पहले हमें जानना जरूरी है हीरा, हीरा का फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों हीरा का फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। इसका मीनिंग है हजार्ड आइडेंटिफाइड करना है और उसका जो रिस्क निकलेगा उसे असेस करना है, उसके एक्शंस लेने हैं। एंड साथियों कंप्लीट डिस्कस इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट कहां पे है, वो IOHMS ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में 45001/2018 में एड्रेस की गई है 6.1.2 क्लॉज में। एंड साथियों जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में ही बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा, जब मेरा AI का वीडियो था पुराना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैंने क्लियरली बता दिया था कि आपको AIA जब आपके दिमाग में आए तो आपको कौन से स्टैंडर्ड में सोचना है, जब आपको हीरा दिमाग में आए तो कौन से स्टैंडर्ड में सोचना है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, जहां पे भी आपके दिमाग में हीरा आता है तो वहां पे आपको सीधा चले जाना है OHMS ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 45001/2018 में, जहां AI आपके दिमाग में आता है, AI करना है तो आपको सीधे सोचना है EMS एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है, EMS एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में 14001/2015। तो सेम आपको ध्यान रखना है, इसके एम थोड़ी अलग हो गए हैं। एम मैं आपको बताता हूं कि आपके 45000 के एम क्या है, OHMS के एम क्या है। तो पहला एम आप देख रहे हैं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द OHMS परफॉर्मेंस। केवल OHMS चेंज हुआ है, बाकी एम वही है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस में। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी एंड इल हेल्थ सिचुएशंस, इल हेल्थ सिचुएशन एंड इंजरी में को प्रिवेंट करना है। प्रोविजन ऑफ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेसमेंट, सेफ हेल्दी वर्क प्लेस का हमें प्रोविजन बनाना है। कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट, जो हमारी लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स है उसका कंप्लायंस इंश्योर करना है आपको। एंड साथियों आगे बढ़ने से पहले कुछ डिफिनेशन हम जान लेते हैं, जो कि हमारा जब आप हीरा करोगे तो वो आपको बेनिफिशियल होंगी। पहली डिफिनेशन है इंजरी एंड इल हेल्थ, आप किसको मानेंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फिजिकल मेंटल और कॉग्निटिव कंडीशंस ऑफ ए पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक या संज्ञानात्मक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, वो क्या है, इंजरी और इल हेल्थ है। किसी वर्क प्लेस में कोई भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, या कॉग्निटिव हो, कंडीशन में हो, ठीक है, शारीरिक मानसिक या संज्ञात्मक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ना, वो इल हेल्थ या इंजुरी है, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ हजार्ड, हजार्ड की डिफिनेशन जानेंगे, तो सोर्स विथ ए पोटेंशियल और टू कॉज इंजरी एंड इल हेल्थ, ठीक है। हजार्ड की डिफिनेशन आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी की जरूरत आगे पढ़ने वाली है। सोर्स विथ ए पोटेंशियल टू कॉज इंजरी एंड इल हेल्थ, ठीक है।
ऐसा सोर्स जिसकी वजह से किसी को भी चोट लग सकती है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई भी सोर्स वो क्या है, हजार्ड। क्लियर हो गया आपकी डिफिनेशन। दूसरी डिफिनेशन सुनते हैं, पार्ट ऑफ सोर्स सिचुएशन ओवर एन एक्टिविटी विच कैन लीड इंजरी आर इल हेल्थ। क्लियर है, ये आपको अपने यहां पे दिमाग में बैठा के रखनी है। ऐसा कोई भी सोर्स जो किसी को भी बीमार कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, वो क्या है, हजार्ड है। रिस्क क्या है, रिस्क की डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी। तो इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, डिफिनेशन ध्यान रखिएगा, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज क्या है, रिस्क है, ठीक है। अनिश्चितताओं का प्रभाव, जहां बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, पता नहीं कि इसकी वजह से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ऐसे सारे रिस्क आइडेंटिफाइड होने चाहिए एंड लिस्टेड होने चाहिए, पता होने चाहिए, उनके एक्शंस होने चाहिए। कॉम्पिटेंस क्या है साथियों, कॉम्पिटेंस की भी डेफिनेशन आज आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट, क्या है, कॉम्पिटेंस है। इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कौशल को जो हम लागू करते हैं, लागू करने की क्षमता ही है जो आपकी है, वही आपकी कॉम्पिटेंस है, ठीक है। इंटरेस्टेड पार्टी की डिफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। हमारे वह व्यक्ति या संगठन जो किसी को प्रभावित कर सकता है, किसी को प्रभावित कर रहा है, किसी की गतिविधियों से प्रभावित हो सकता है, हो रहा है या होने वाला है, वो क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज है, ठीक है। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच कैन इफेक्ट, ठीक है, कैन बी अफेक्टेड बाई ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ओवर एन एक्टिविटी, वो क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी है। इंटरेस्टेड पार्टी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आपकी सराउंडिंग्स में जो भी कम्युनिटीज हैं, आपका कस्टमर हो गया, आपका सप्लायर हो गया, ठीक है, आपके कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, आपके कंपनी के वर्कर हो सकते हैं, ये सारी क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज है। वह व्यक्ति या संगठन जो किसी निर्णय या गतिविधि को प्रभावित कर सकता है, उसमें प्रभावित हो सकता है या स्वयं को प्रभावित मानता है, वो कौन है, इंटरेस्टेड पार्टीज है आपका, ठीक है। सोर्स ऑफ हजार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, आपको यहां बैठाना है, सोर्स ऑफ हजार्ड कौन कौन से आखिर हो सकते हैं। हम हजार्ड की बात करेंगे तो हमें सोर्स पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आपका एक मैकेनिकल हजार्ड हो सकता है, मैकेनिकल हजार्ड में कौन कौन से आते हैं, मैकेनिकल मूवमेंट्स। फिजिकल हजार्ड्स में आपका हो सकता है, फिजिकल हजार्ड्स में आपका क्या आता है, फिजिकल कंडीशंस। इलेक्ट्रिकल हजार्ड आपका हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटीज की वजह से जो हजार्ड रिस्क हो सकता है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है। केमिकल हजार्ड्स, ठीक है, हजार्ड्स ड्यू टू मैकेनिकल एंड देयर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, तो जो केमिकल के कॉन्टैक्ट्स की वजह से जो हजार्ड्स हो सकता है वो क्या है, केमिकल हजार्ड्स है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स ड्यू टू हाइजीन कंडीशन की वजह से जो हजार्ड्स आपको हो सकते हैं वो क्या है, रिस्क हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं। आप देख रहे हैं सारे, आपको बहुत क्लियर देखो आप और इनको ध्यान रखो। फ्लो ऑफ एनर्जी, ये भी एक हजार्ड्स है, हजार्ड ड्यू टू कंप्रेस एयर एंड स्टीम रेडिएशन, ये क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी टाइप का हजार्ड्स है। एर्गोनॉमिक कंडीशंस, हजार्ड ड्यू टू बॉडी पोस्चर्स, ठीक है, कैसे वेट उठाना है, कैसे आपको चेयर में बैठना है, कैसे नहीं बैठना है, कैसे आपको वर्किंग कंडीशन में बैठना है, कैसे झुक के वेट उठाना है, ठीक है, तो यहाँ पे इर्गोनॉमिक कंडीशन जो भी है बॉडी पोस्चर के, ये क्या है आपका, इर्गोनॉमिक कंडीशन टाइप का हजार्ड है। सोशियो एंड मेंटल हजार्ड, एंड इसको कहते हैं साइको हजार्ड्स, ठीक है, तो आपको मेंटल कंडीशन की वजह से कंपनी की फिजिकल कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, ठीक है, मेंटल प्रेशर की वजह से जो हजार्ड हो सकता है वो क्या किसमें आता है, सोशियो मेंटल हजार्ड में आता है। तो साथियों अब इसके कंट्रोल्स आपको किस टाइप से रखने हैं, कंट्रोल्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहले इलिमिनेशन टाइप कंट्रोल आपको देखना है, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन टाइप आप कंट्रोल में आना है, देन आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल के बारे में सोचना है, फिर लास्ट में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में सोचना है, एंड देन इसमें एक पीपीज है तो पीपीज के बारे में सोचना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपको पता ही है, डिस्प्ले साइन, WISOPs एंड एसेट्रा एसेट्रा।
हजार्ड्स की रिक्वायरमेंट कहां पे एड्रेस है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, 6.1.2 क्लियर कहता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। जब मैं इसकी ट्रेनिंग दूंगा, मेरे जो ट्रेनिंग का वीडियो है किसका, OHMS का 45,000 और 2015 का, उसमें क्लियर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करूंगा, किया हुआ है, तो उसमें आपको सारी रिक्वायरमेंट्स आपको समझ में आ जाएगी, और इसमें मैंने सारी चीजें एड्रेस कर दी हैं। तो इसमें जब भी आप हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो आपको सेफ्टी फॉर्मेशन कर लेना है, गेम्बा का आपको यूज करना है, जिस भी एरिया का आप हजार्ड आइडेंटिफाई कर रहे हो उस लोकेशन में आपको जरूर जाना है, पीपल को वहां के जरूर इन्वॉल्व करना है जो उस एरिया में वर्क कर रहा हो, एंड एक्टिविटी को आपको पार्टों में डिवाइड कर लेना है। और जिस प्रोसेस का आप हजार्ड आइडेंटिफाई कर रहे हो, बेटर यदि आपको सब कैटेगराइज करो, जैसे बिफोर ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड आफ्टर ऑपरेशन। लीगल रिक्वायरमेंट साथियों वही है जो मैंने आपको AIA में बताई थी, सारी लीगल रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे वही मेंशन करी है, तो लीगल रिक्वायरमेंट कोई चेंज नहीं है। फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लोसिव एक्ट, गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रूल्स, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है। तो इसमें आपके कुछ जो चीजें हैं वो फॉल कर सकती हैं आपके 45,000 में भी। एंड साथियों चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम पूरा हीरा का फॉर्मेट। सिवेरिटी की जो रेटिंग है, सिवेरिटी की रेटिंग इसमें बदली हुई है, ठीक है, सिवेरिटी की आप रेटिंग यहाँ पे सबसे पहले देख लो कि सिवेरिटी की रेटिंग क्या है। सिवेरिटी में आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और डिटेक्शन की है वो सेम है, लेकिन जो आपका सिवेरिटी की रेटिंग है वो बदली, जैसे कि 5 में आपको फेटलिटी का कोई केस होता है वो 5 में रखना है, परमानेंट डिसेबिलिटी आपको 4 रेटिंग लेनी है, टेम्परेरी डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन है तो 3 लेनी है, यदि टेम्परेरी डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड फर्स्ट एड है तो 2 लेनी है, यदि स्लाइट डिस्कम्फर्ट आपको फील हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं, तो आपको 1 रेटिंग लेनी है, बाकी अदर रेटिंग जो है अकरेंस और डिटेक्शन की सेम है। फॉर्मेट में आपका पूरे ऊपर वाला जो कंटेंट है जो आप देख रहे हो पूरा सेम है, केवल चेंज आपको मिलेगा इंपैक्ट की जगह में आपका हजार्ड हो गया है और एस्पेक्ट की जगह में यहाँ पे रिस्क कंसिक्वेंसेस जुड़ गया है, और जो लास्ट से सेकंड कॉलम है उसमें एनवायरमेंट पहले मेजर था, अब इसमें सेफ्टी मेजर जुड़ गया है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट SOD भी उसी तरह है, ठीक है, यहां मैं आपको एग्जाम्पल आपको एक बता देता हूं, जैसे कि हमारा जो टास्क है, प्रोसेस है, उसमें हमने क्या लिया हुआ है, मटेरियल मूवमेंट, ठीक है, तो इसका हजार्ड क्या हो सकता है इसमें, बिन फॉल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, जब कहीं भी आप मटेरियल मूवमेंट कर रहे होंगे तो वहां से बिन गिर सकता है, ठीक है, तो उसमें एक्टिविटी जो इसका टाइप कौन सा, नॉर्मल, एबनॉर्मल, इमरजेंसी कंडीशन, ये एबनॉर्मल कंडीशन में आएगा। रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसमें, इंजरी टू हुमेन एंड एसेट्स, हुमेन को इंजरी हो सकती है जो वहां पे काम कर रहा है, या कोई एसेट्स आपका डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। एग्जिस्टिंग आपके कंट्रोल क्या है इसमें, बिन मूवमेंट OCP अवेलेबल, जो बिन मूवमेंट का जो तरीका है उसके लिए ऑपरेशनल प्रोसीजर है, ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर आपने बना रखा है। रिस्क टाइप इसका इसलिए आपका मीडियम है, लीगल रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, इंटरेस्टेड पार्टी कंसर्न आपका नहीं है, सिवेरिटी की रेटिंग आपने 3 ले रखी है, अकरेंस 4 ले रखा है, डिटेक्शन 2 ले रखा है, SOD आपका 24 निकल के आ गया है, सिग्निफिकेंट नहीं है, सेफ्टी मेजर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, SOD की रेटिंग सेम है, यदि आपका सेफ्टी मेजर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ SOD मोर देन 27, तो बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, केवल आपका हजार्ड और रिस्क यहाँ पे बदल जाता है। अब ये कैसे आपको आइडेंटिफाइड करना है, कैसे लेना है, कैसे दिखाना है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो आशा करता हूं कि आपको हीरा भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि कैसे आपको हजार्ड आइडेंटिफाइड करना है एंड रिस्क असेसमेंट करना है, और उसके लिए एक्शंस आइडेंटिफाइड करने हैं, सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट आइडेंटिफाइड करना है। तो साथियों यदि आज का हमारा ये टॉपिक वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएट मिल जाया करे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।